Exercise 4.4, linear equations in two variables, question 1. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable. यही same question, जैसे इस तरीके से पूछा हुआ है in one variable, इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, represent this on number line. ये एक ही बात है. अगर question इस form में आए, कि इसे number line पर represent करो, या वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब क्योंकि ये y एक्सिस को बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 3, तो मैंने इसे वर्टिकली ड्रॉ किया है. सिंगल लाइन क्योंकि वन डायमेंशनल है, एक ही वेरिएबल है, एक सिंगल वन नंबर लाइन, इसे हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वहां बस मेंशन कर देते कि ये अपना y एक्सिस है. अब y एक्सिस लिया, y की वैल्यू कितनी है 3, ओरिजिन से 3 चेक कीजिए, 1 2 3. सो this is the representation of y is equal to 3. Then part 2, represent the equation in two variables. इसी same question को इस तरीके से भी दिया जा सकता है. Two variables ना बोलने की बजाय वो ऐसे कह सकते हैं Cartesian plane में represent कीजिए, represent the equation in Cartesian plane. तो भी same method use होगा, क्योंकि Cartesian plane का मतलब ये plane two dimension होता है. इसे टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना इज वन एंड द सेम थिंग. टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इन कार्टेशियन प्लेन इज वन एंड द सेम थिंग. तो अब इसे प्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स दिस पॉइंट. y की वैल्यू 3 है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 × x प्लस y इज इक्वल टू 3. तो x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगी, 0 ही आएगी. दैट मीन्स x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन. इन द सेम वे वो -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन. तो आप नोटिस कीजिए कि अगर वैल्यू y की दे रखी हो, तो हमारा जो ग्राफ आता है उसमें क्या होता है, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है. अगर यही वैल्यू x की होती तो हमारी पैरेलल लाइन y के पैरेलल होती, लेकिन इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है और x की वैल्यू कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स हमारा ग्राफ x के पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा. क्वेश्चन 2, give the geometric representation of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation, first part in one variable. तो पहले इस equation को simplify करते हैं. 2x plus 9 is equal to 0. इसमें अगर x की value find करेंगे तो क्या होगा, 2x is equal to, यहाँ plus 9 है, right hand side लेकर जाएंगे तो minus 9, x is equal to minus 9 by 2. That means minus 4.5. x is equal to minus 4.5. इसके लिए वन डायमेंशन में अगर हमें ग्राफ बनाना है, या कह लीजिए एक वन वेरिएबल में ग्राफ बनाना है, या यूं कह लीजिए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें कैसे ग्राफ बनाना होगा. तो अब ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट वन के लिए वन वेरिएबल में. x इज इक्वल टू 4.5, तो हमारे x में 4.5 नेगेटिव साइड की तरफ कहाँ है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस 4.5. ये हो गई हमारी वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन. अब टू x इज इक्वल टू 4.5, x इज इक्वल टू 4.5, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू 4.5. ये हो गई हमारी वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन. अब इसे टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें दो एक्सिस चाहिएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस. अब हमारे x एक्सिस की वैल्यू क्या है, माइनस 4.5, तो वो यहां कहीं होगी 4 और 5 के बिल्कुल मिड में, तो मान लीजिए वो ये है. तो इस पॉइंट को ये हो गया 4 माइनस 4.5. x एक्सिस की तो ये वैल्यू है, लेकिन y एक्सिस की क्या है, y की क्या वैल्यू रही होगी. इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 4.5, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 है. That means वो कुछ ऐसा रहा होगा, y multiplied by 0.
दैट मीन्स वाई की चाहे मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तब भी क्या होगा, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव. या फिर मैं टू कोई भी नंबर लेंगे, अगर वाई की अगर वाई की कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे वो वन है चाहे वो टू है, उसे जीरो से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा उसका, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. दैट मीन्स माइनस फोर पॉइंट फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वन भी हो सकती है, वो टू भी हो सकती है, वो थ्री भी हो सकती है, वो फोर भी हो सकती है, वो फाइव भी हो सकती है. इन द सेम वे वो माइनस वन भी हो सकती है, माइनस टू भी हो सकती है, माइनस थ्री भी हो सकती है. दैट मीन्स लाइन कुछ, दैट मीन्स लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. तो ये हो गया हमारा ग्राफ टू वेरिएबल में, जहां पर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव है. आप नोट कीजिए कि इसमें लाइन पैरेलल आ रही है वाई एक्सिस के. जब एक्स की वैल्यू गिवन होगी और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे, तो पैरेलल किसके पैरेलल आएगी लाइन, वाई एक्सिस के. अगर एक्स, अगर वाई की वैल्यू गिवन होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है.